आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को कभी नहीं बदल सकते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे कोई खास हमारे अच्छे संबंध नहीं है। पर आप पाकिस्तान से देख लीजिए, चाइना से देख लीजिए, या बांग्लादेश से देख लीजिए, श्रीलंका से देख लीजिए, नेपाल से देख लीजिए। आप लोग जो कल तक हमारी गोद में बैठा रहता था नेपाल, आजकल वो भी मुंह खोल दिया अपना उसने, वो भी हमारे विपक्ष में खड़ा हो चुका है। तो इसे आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि आपको जरूरी है कि अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान को उठा के कहीं अमेरिका फेंक के चले जाएं, या हम पाकिस्तान को उठा के कहीं यूरोप में फेंक दें। देखिए, रास्ता निकलता है समझौता से ही। एक तरफ से आपने देखा होगा कि आपके आसपास कहीं भी लड़ाई होती है, उसका समाधान क्या रहता है? लास्ट में मार काट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद समझौता होता है, दोनों पक्षों में समझौता होता है और रुक जाते हैं। तो यही देशों के बारे में भी है। और देशों के बारे में एक और कहानी है कि कभी एक खास दोस्त भी नहीं होते हैं। एक समय आपने देखा होगा कि रसिया, यानी कि जिसे आप रूस कह रहे हैं, वो हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था, और जो अमेरिका होता था ये पाकिस्तान और चाइना की तरफ इसका झुकाव रहता था। आज परिस्थिति बदल चुकी है, अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ दिखाई दे रहा है आपको, और रूस का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाई दे रहा है। एक बात और याद रखिए आप लोग, अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह होता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो अमेरिका पर हम लोग कभी भरोसा नहीं कर सकते। और मेरा मानना तो ऐसा है कि खुद शक्तिशाली हैं तो हजार दोस्त मिल जाते हैं। तो अपने आप पर काम करिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, हर कोई आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं अपने पड़ोसी संबंधित, जो भी है हमारे देशों से संबंधित पड़ोसियों से, खासकर उनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये हमारा भारत है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा भारत के पड़ोसी देशों के दौरे किए गए हैं। क्या किए गए हैं? दौरे यानी कि गए हुए हैं। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण देश है। इसकी स्थल सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। समुद्री सीमा की बात करें तो मालदीप से लगती है। किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी कूटनीतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पड़ोस को सुव्यवस्थित करना अनिवार्य है। एक बात और है याद रखिए, अब सोचिए आप लोग कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी महामारी के कारण, तो हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। आप समझिए कि अगर हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हो तो हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं। और ऐसा भी तो माना जा रहा है कि 21वीं सदी है वो एशिया की सदी है, खासकर भारत और चाइना की, क्योंकि भारत और चाइना के पास सबसे बड़ा बाजार है, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं बन रही है, भारत में भी नहीं बन रही है, और चाइना में भी नहीं बन रही है। अगर भारत और चाइना एक हो जाए और एक दिशा में काम करने लगे तो आप समझिए अमेरिका को भी आने वाले दिनों में पछाड़ देंगे, समझ रहे हैं आप लोग? और आप समझिए अभी कि आपको अगर अफगानिस्तान जाना है, आपको तुर्कमेनिस्तान जाना है, तो अभी कहां से जाते हैं आप लोग? यहां से देखते होंगे आप लोग कि ईरान में हम लोग एक बंदरगाह का निर्माण भी कर रहे हैं, यहां से ऐसे होते हुए जाते हैं। अगर पाकिस्तान से हमारे अच्छे संबंध हो तो हम देखेंगे कि यहीं से डायरेक्ट हम लोग इन देशों तक हमारी पहुंच हो सकती है, ठीक है? तो ये भी देखने को मिलता है। और याद रखिए, पड़ोसी देशों से संबंध इसलिए भी अच्छा रहता है कि हमारे देश की एकता, अखंडता और शांति बनी रहती है। क्योंकि आपने देखा है पाकिस्तान आए दिन आतंकवादी भेजता रहता है, ना तो खुद एक तरह से शांत है और ना ही हमें शांति से जीने दे रहा है। किसी भी राष्ट्र के लिए कूटनीतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पड़ोस सुव्यवस्थित, यानी कि अच्छी तरह से दोनों में मेलजोल होना चाहिए। सब में शीत युद्ध के उपरांत भारत ने अपनी पड़ोस नीति में गुणात्मक परिवर्तन किया है। तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने पड़ोसी देशों के मधुर संबंधों पर विशेष ध्यान दिया, और इसी को आप लोग क्या कहते हैं, गुजराल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्योंकि 1996 में गुजराल विदेश मंत्री थे और उन्होंने पड़ोस के साथ संबंध बनाने में पारस्परिकता की मान्यता को परिवर्तित किया और पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की रणनीति अपनाई है। यह रणनीति छोटे तथा मित्र राष्ट्रों के लिए थी, पाकिस्तान तथा चीन को इसमें छूट नहीं दी गई थी। अगर भारत के पड़ोसी देशों के साथ नीतियों की बात करें हम लोग, तो भारत द्वारा पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक शक्तियों की नैतिक सहायता की गई है। इसके साथ ही देखेंगे भारत ने समय समय पर वहां हो रहे मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध भी भारत ने कदम उठाए।
यथा आप देखा होगा कि बांग्लादेश में के मुक्त वाहिनी का समर्थन, श्रीलंका में शांति सेना भेजना और अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली का प्रयास करना। आपने देखा होगा कि जब 1971 की बात कर रहा हूं मुक्त वाहिनी सेना की, तो कि मुक्त वाहिनी जो सेना बनाई गई थी या संगठन बनाया गया था, इसकी मदद भारतीय सेना ने भी की थी और भारत सरकार ने भी की थी। और तभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभरा था, 1971 की बात कर रहा हूं। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत का महत्व निर्विवाद है और तथा भारत में वह क्षमता भी है जिसके द्वारा वह पड़ोसी देशों के आर्थिक विकास में सहायक हो सकते हैं। भारत इन देशों की आर्थिक सहायता में भी संलग्न होता है। भारत द्वारा गंगा मेकांग परियोजना, BVIN परियोजना, भूटान में हाइड्रो पावर का विकास इत्यादि कार्य किए गए हैं। अफगानिस्तान में भारत ने संसद निर्माण में योगदान भी दिया है। और याद रखिए, भारत एक बड़ा, मतलब आप सोचिए कि आपका भी ख्याल रखता है और अपना ख्याल भी रखता है, कहने का मतलब है। आप समझिए कि आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, आप मुखिया हैं एक तरह से, और आपके पड़ोस में भी एक सरपंच है और आप भी सरपंच हैं। तो आप इस तरह के सरपंच हैं कि आप अपनी जनता का भी ख्याल रखते हैं, गांव पड़ोसी गांवों का भी ख्याल रखते हैं, और आप किसी के साथ तो अपना फायदा कम देखते हैं, उसका सामने वाले को अच्छा या मतलब उससे फायदा हो यही देखते हैं। तो हमारे भारत की यही नीति है। आपने देखा होगा चाइना एक व्यापारी की तरह है। आपने देखा होगा कि किसानों के साथ किस तरह से शोषण किया जाता था बिचौलियों के द्वारा, एक तरह से जो सेठ धन्ना सेठ होते थे वो उन्हें ऋण देते थे पहले, और उस ऋण में इतना फंसा देते थे कि एक समय ऐसा था कि किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी। तो आज आप देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान को अब ऋण भी देने के लिए चाइना का पाक उसे चाइना से ही उधार लेना पड़ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। और हम किसी को उधार देते हैं तो हम बहुत सहूलियत भी उसे देते हैं। भारत की बात कर रहा हूं, भारत ने आपदा के समय अपने पड़ोसियों के साथ साथ दिया है। नेपाल का भूकंप राहत कार्यक्रम, डोकलाम मुद्दे पर भूटान का सहयोग और अथवा मालदीव की सहायता, भारत ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। भारत ने सभी अपने पड़ोसियों की मदद की है लॉकडाउन के टाइम भी। भारत द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद को बेहतर ढंग से हल किया गया है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश के साथ स्थलीय तथा जलीय सीमा, क्या स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का भी विवाद अच्छी तरह से निपटारा किया गया है। भारत का पाकिस्तान तथा चीन से संबंध उतने बेहतर नहीं है। लगातार वार्ताओं के उपरांत भी पाकिस्तान छद्म युद्ध के रूप में आतंकवाद को प्रेरित कर रहा है। भारत में हुए पुलवामा, पठानकोट जैसे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की वही कहावत है एक कि कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली और जब निकाली सो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो इसकी पाकिस्तान की भी यही हालत है कि कई बार सुधरने का मौका दे चुका हूं फिर भी वो नहीं सुधरने का नाम लेता है, और जब इसने इस तरह की हरकत की है हर बार मुंह की खानी पड़ी है, हर बार हार का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। खुद एक तरह से बर्बाद है, दूसरे को इसी में ढकेलने की कोशिश करता है। वहीं चीन की बात करें तो लगातार भारत की क्षेत्रीय अखंडता को विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में भारत और चीन की सेनाएं सीमा पर एक दूसरे के सम्मुख थी, और यह आपने देखा होगा कि हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे उसमें। एक क्या करता है चाइना, क्या करता है कि आपने देखा होगा कि एक कुछ जमीन पर कब्जा जताने लगेगा अपना कि हमारी जमीन है, और बाद में क्या कहेगा कि हम यहाँ अपनी जमीन दे देते हैं तुम्हें और तुम हमें यहाँ दे दो। अब उसका कहने का मतलब है, आप समझिए कि लद्दाख में वो मुझे दे दे और अरुणाचल प्रदेश की पूरी जमीन ले ले, इस तरह के डील भी करने लगता है कौन, चाइना। पाकिस्तान तथा चीन के रूप को देखकर भारत को अपने पड़ोस के प्रति नीतियों को और सुदृढ़ करना होगा और ध्यान भी देना होगा। अब बात आती है गुजराल सिद्धांत की कि आखिर क्या है। गुजराल सिद्धांतों में पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने पर बल दिया गया और एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान का आश्वासन भी दिया गया है। किसी भी देश को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, यह निर्णय किया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपने भूभाग का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के विरुद्ध नहीं होने देगा। अब आप बात आती है कि भारत के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, मतलब इन सभी को अच्छे रिश्ते रखने के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है क्षेत्र में चीन की बढ़त, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चीन एक समय, आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेजों के समय अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति रहती थी वही आज चाइना की हो चुकी है।
चाइना की सीमा जितने भी देशों से लगती है लगभग लगभग सभी से सीमा विवाद चल रहा है। ठीक है, चीन अब इस क्षेत्र में प्रभावी हो रहा है और चीन द्वारा म्यांमार में नेपाल बांग्लादेश जैसे देशों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किए गए हैं। ये सभी देश भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। हाल ही में चीन के प्रभाव से नेपाल द्वारा एक विवादित राजनीतिक मानचित्र भी जारी किया गया है जिसमें नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखाया है। और उसके बाद आपने देखा होगा पाकिस्तान ने भी नया मैप जारी किया है। उसने तो खैर छोड़िए आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरा आपने में बता दिया है, वहां जूनागढ़ भी उसने अपने आप अपने में शामिल कर लिया है। तो इस तरह के करते रहेंगे, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। बात करते हैं विदेय बिग ब्रदर सिंड्रोम की। तो भारत आकार जनसंख्या इत्यादि में अन्य देशों से बहुत बड़ा है, इस स्थिति में भारत के पड़ोसी सदैव भारत के प्रति संकेत दृष्टिकोण रखते हैं तथा क्षेत्र में भारत के प्रतिद्वंदी की तलाश करते हैं और उन्हें चाइना इस मामले में मिल भी जाता है। भारत की नीतिगत विषमता की बात करें, भारत द्वारा कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करने के उपरांत उन्हें तय समय पर पूर्ण न किए जाने से भी श्रीलंका बांग्लादेश जैसे देश चीन की तरफ आकर्षित होते हैं। एक उदाहरण आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कि ईरान में हम लोग कई प्रोजेक्ट चला रहे थे, हम लोगों ने अमेरिका के दबाव के कारण वहां अपने प्रोजेक्ट या परियोजनाओं को रोक दिया था। आप समझिए कि आप ही सोच लीजिए कि आप ऐसे से दोस्ती करेंगे जो दूसरे के झुकाव में आपसे दोस्ती तोड़ दे, किसी दूसरे के दबाव में आपसे दोस्ती खत्म करने कभी भी कर दे, समझौता कभी भी रद्द कर दे। आप तो ऐसे से दोस्ती करेंगे कि दुनिया कुछ भी करती रहे लेकिन आपकी दोस्ती, आपकी जो भी काम चल रहा है आप दोनों के बीच, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? अब ईरान को आप समझिए कि उसकी चारों तरफ से अमेरिका घेर रहा था, उस समय आपने साथ छोड़ दिया और उस समय आपने देखा है कि चीन ने यानी कि चाइना ने उसका साथ दिया है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि नेपाल हो फिर चाहे बांग्लादेश हो श्रीलंका हो, इनका झुकाव किसकी तरफ दिखता है? चाइना की तरफ। और कोई भी परियोजना हो तो अगर वो समय पर पूरी ना हो तो देश जो भी जिस भी देश में चल रहा हो तो वो एक तरह से असंतुष्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी देखा जाता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश की यही है। ठीक है, भारत की आंतरिक समस्या की बात करें हम, भारत अभी भी विकासशील देश है और देश की 21% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। कुपोषण तथा बीमारियों से ग्रस्त जनसंख्या के निवारण के लिए भारत अधिक धन व्यय करता है, अतः अन्य देशों में परियोजनाओं को पूर्ण करने की भारत की क्षमता में कमी आती है। और याद रखिए, मैं बार बार कई बच्चों ने कहा है कि वो नेताओं को टारगेट क्यों कहते हैं। देखिए, याद रखिए, मुझे लगता है जहां तक कि अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता होते हमारे देश में, पंडित जवाहरलाल, फिर गांधी साहब, फिर चाहे विवेकानंद, इन जैसे अगर नेता अभी भी होते तो हमारा देश बहुत आगे निकल चुका होता। समझ रहे हैं आप लोग? आज वो नेता चुन लिए आप लोगों ने जो तुम्हारे विकास की छोड़ी है, आप लोग अपना विकास करने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप कहां निकल पाएंगे? आप देख रहे हैं कि 1947 के बाद से एक नारा लगाएगा गरीबी हटाओ का, मतलब अभी भी गरीबी उसी पर आप लगे हुए हैं, गरीबी अभी भी हटी नहीं हुई है। आपके यहां विधायक साहब आते हैं, कोई भी आता है तो क्या कहता है? मैं बिजली दूंगा, मैं सड़क दूंगा। आप सोचिए, इनके ये अपने निकम्मेपन का एक तरह से सबूत पेश कर रहे हैं आपके सामने। अभी भी यही मुद्दा होना चाहिए। 21वीं सदी में आप जा रहे हैं, दुनिया कहां से कहां जा रही है और आपके यहां क्या चल रहा है मुद्दा? सड़क बिजली का। ये तो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी एक तरह से। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक तरह से वही हाल है कि कोई चोर है, वो चोरी करता है और वो बताता है आके आपके सामने, हाँ मैंने चोरी की है। तो नेता भी यही करते हैं, एक बार जीत जाते हैं और दोबारा जब चुनाव आता है तो उस समय वो फिर कहने लगते हैं कि हम बिजली देंगे, सड़क देंगे। पिछली बार क्या किया तुमने? ये हमारी हिम्मत भी नहीं होती है। और मैं इसके लिए जनता को भी तो जिम्मेदार कहता हूं हमेशा कि भुगत रहे हैं, आपने लॉकडाउन के टाइम भी भुगता है। देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालते हैं। आपने देखा होगा कि आपके बच्चे को अगर कोरोना हुआ है तो जो गरीब की बात कर रहा हूं मैं, जो एक तरह से जो इस तरह के वोट बैंक के जो भी रहते हैं, तो आपके बच्चे ने हो सकता है कि सरकारी हॉस्पिटल में पढ़ा रहा। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी जो भी विद्यालय है उसी में पढ़ते हैं। और दुनिया जानती है कि भारत के सरकारी स्कूलों की और सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत है। आपके विधायक साहब की अगर सर्दी भी हो जाए तो वो VIP ट्रीटमेंट लेते हैं, वो अपनी या तो राजधानी जहां भी है या दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो आपका परिणाम है, एक कहावत है वो यही कि
जिसने भीख मांगी वो अमीर बन गया, और जिसने भीख दी वो गरीब बन गया। आप समझिए कि आप वोट देते हैं, आप मतलब राजा हैं, आप एक तरह से दान दे रहे हैं, मतदान यानी कि अपने मत का दान दे रहे हैं। आप भिखारी हैं और जो वोट ले रहा है वो राजा है। खैर छोड़िए, क्या होना चाहिए आगे की राय? पड़ोस के साथ विदेश नीति का आधार अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने पड़ोसी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। भारत द्वारा इससे कम क्रम में अनेक प्रयास किए गए हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, पड़ोसी को हम लोग उठा के कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और आज भी आपको देखते होंगे, देखिए कई एक आध गलती हर किसी से हो जाती है। अब जम्मू कश्मीर के मामले के लिए आप कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहे, अब इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उस समय हो सकता है कि अगर आप भी उस समय प्रधानमंत्री के पद पे होते तो आप भी यही लेते। आप थोड़ा इतिहास में पढ़िए आप लोग। हाँ मैं भी मानता हूं कि एक गलती हुई है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, कि यूएन में नहीं घसीटना चाहिए था इस मुद्दे को, क्योंकि उस समय हमें मालूम था कि यूएन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, अमेरिका और बाकी जो भी देश थे वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो हमें इस मुद्दे को यूएन में नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन आप सोचिए, कई लोग बोलते हैं पाकिस्तान बंटवारे के लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं। आप सोचिए, एक परिवार में आप रहते हैं, उसमें डेली मारकाट होती है, एक लड़ाई होती है 24 घंटा, तो बाप क्या कहता है कि अलग हो जाइए आप लोग, कम से कम चैन से रहिए, शांति से रहिए, समझ गए आप लोग? तो यही उस समय भी देखा जा रहा था, लाखों लोगों की एक तरह से मौत के घाट उतार दिया जा रहा था, दंगा भड़काए जा रहे थे, मारपीट हो रही थी, तो बंटवारे में ही एक एक लास्ट ऑप्शन था उस समय, समझ रहे हैं आप लोग? तो याद रखिए, कभी आप लोग इनकी बायोग्राफी पढ़ा करिएगा इतिहास, और याद रखिए गांधी हो, फिर चाहे कोई भी नेहरू हो, या उस समय के किसी नेता को अगर कोई गाली देता है, भीमराव अम्बेडकर साहब को कोई गाली देता है, तो आप समझिए व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से ही इन्हें इतिहास पता है। इन्होंने किसी किताब का मुंह नहीं देखा हुआ है, ये केवल व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में ही रहते हैं ये लोग। तो आप लोग तो मुझे लगता है कि काफी पढ़े लिखे लोग हो, तो आप ऐसी बातों पर ध्यान मत दिया करेगा। वर्तमान में जहां भूटान के साथ भारत के मतभेद अनुपस्थित हैं, वहीं चीन तथा पाकिस्तान के संबंधों में टकराव अधिक है, शेष अन्य देशों के साथ संबंध संतुलन की अवस्था में है। अतः भारत को चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाकर क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देना चाहिए। भारत तथा चीन दोनों के प्रतिनिधि ब्रिक्स SCO के मंचों तथा द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा इस तनाव को कम करने का प्रयास करें। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन कर रहा है। भारत द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा क्षेत्रीय मंच से पाकिस्तान पर आतंकवाद को समाप्त करने का दबाव भी बना रहा है। ये आप देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पेपर सेकंड से जुड़ा हुआ है आपका। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं आप लोग, आप लोगों को पूरा टॉपिक ही पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो ये कहानी है आपके जो भी पड़ोसी हैं उनसे संबंधों की, ठीक है? एक सामान्य जानकारी है।